खाने के बारे में एक बात बताऊं, मैं फूडी हूं। I'm a foodie. Foodie? Foodie, yeah. मुझे खाने से प्यार है। So. तो शूटिंग के दौरान तो हाँ मैं अवॉइड करती हूँ, पर जब मैं ब्रेक पर होती हूँ तब हाँ मैं खूब खाती हूँ। लेकिन मुझे जानवरों से भी प्यार है, तो इसीलिए आप उन्हें खा लेती हैं। जब मैं कोई ऐसी घटना देखती हूँ। नहीं, लोग बोलते हैं मुझे खाने से प्यार है और आपको जानवरों से प्यार है, इसलिए आप उन्हें खाने में डाल देती हैं। नहीं, मैंने कई बार कोशिश की है, मतलब ओके, मुझे नॉनवेज खाना छोड़ना है, मैंने ये कोशिश भी की है, तो एक हफ्ते या 10 दिन तक नॉनवेज से दूर रही, पर जैसे मैं किसी को नॉनवेज खाते देखती हूँ, मेरा मन कहता है ऐसा है अगले महीने से। मैं क्या करूँ, मैं इससे कैसे बाहर आऊँ? आपको बताऊँ, मेरे 2 पालतू जानवर भी हैं, और मैं कैसे कहूँ, सदगुरु आप इस दुविधा के बारे में, ये नॉनवेज खाने के बारे में क्या कहेंगे? आप अपने पालतू जानवरों को कब खाने वाली हैं? No, they are like my babies. लोग यही कहते हैं। वैसे मैंने लोगों को चिकन और बाकी जानवरों से बड़े अच्छे से बात करते देखा है, और अगले ही हफ्ते वो उन्हें खा लेते हैं। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? I am a humanitarian. Humanitarian. आज ये बताने के लिए पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं कि पौधे भी किसी भी दूसरे प्राणी की तरह ही संवेदनशील होते हैं। तो चाहे आप एक पौधा खाएं या एक जानवर या कुछ भी खाएं, ये फिर भी हिंसा ही है। बस फर्क ये है कि पौधे चिल्लाते नहीं हैं, वो चिल्लाते हैं पर आपको फर्क नहीं पड़ता। बस ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि वो चिल्लाते हैं। इसे इस तरह रिकॉर्ड किया गया है कि अगर मान लीजिए एक जानवर आता है, ये पेड़ों के बीच होता है, मान लीजिए कहीं 1,000 या 10,000 पेड़ हैं, मान लीजिए एक हाथी आता है और पेड़ की पत्तियों को खाने लगता है, तुरंत वो पेड़ अपनी प्रजाति के सभी पेड़ों को यह संदेश भेज देगा कि उसे खाया जा रहा है। पता नहीं वो हाथी को पहचानेगा या नहीं, पर वो बता देगा कि उसे खाया जा रहा है। और मिनटों में अगर वो हाथी दूसरे पेड़ों के पास गया तो सारे पेड़ अपने पत्तों में कुछ मात्रा में जहरीला पदार्थ पैदा कर लेंगे। जब हाथी उसे खाने की कोशिश करेगा तब उसे उसका स्वाद कड़वा लगेगा और वो जहरीला होगा तो उसे नहीं छुएगा। तो उनमें आपस में इतनी ज्यादा संवेदनशीलता होती है। तो चाहे आप कोई फल या सब्जी तोड़ें या कोई जानवर को काटकर खा लें, ये सब क्रूरता ही है। बस इतना है कि हमें इसे थोड़ी संवेदनशीलता के साथ करना होगा, सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। आपको ये फूडी होने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हम सब खाना खाते हैं, हमें खाना खाना चाहिए, वरना यह अपने साथ क्रूरता होगी। पर खाने के साथ पहचान बना लेना ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसका मतलब है तब हम सिर्फ अपना पोषण नहीं कर रहे होंगे बल्कि उसी में डूब जाएंगे। हमें अपना पोषण करने का अधिकार है, एक जीव के रूप में हमें अपना पोषण करने का अधिकार है, क्योंकि दुनिया में भोजन का चक्र ही ऐसा है। लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है कि हम निर्दयी होकर Take another life, just for pleasure. सिर्फ मजे के लिए किसी को मार डालें। हमें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हमें इस जीवन को पोषित करने का पूरा हक है, पर हमें दूसरे जीव को मारने का मजा लेने का कोई हक नहीं है। तो खुद को फूडी मत कहिए, क्योंकि भोजन को कभी आपकी पहचान नहीं बनना चाहिए। जिंदा रहने के लिए, पोषण के लिए हमें किसी पल में जो कुछ भी खाना पड़ेगा हम खाएंगे। थैंक यू सदगुरु।